नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग इस तारीख से होगी शुरू। मिड डे मील का लाभ मिलेगा लगभग 19 लाख बच्चों को। हेडमास्टर नियुक्ति के नियमावली को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब। बिहार में सख्ती से लागू होगा शराबबंदी का। सभी पीडीएस दुकानों में मिलेगा पौष्टिक युक्त चावल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग इस तारीख से होगी शुरू। पंचायत चुनाव के दौरान रुके शिक्षक नियोजन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब काउंसलिंग का काम 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में 50,000 से ज्यादा पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी होनी बाकी है। दो राउंड की काउंसलिंग जुलाई और अगस्त महीने में हो चुकी है, जिसके बाद अब बारी तीसरे राउंड की काउंसलिंग की है। जारी किए गए स्केड्यूल के मुताबिक नगर निकाय नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 14 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ग 6 से 8 के लिए जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी, जबकि 15 दिसंबर को जिला मुख्यालय में गणित विज्ञान और भाषा विषय में वर्ग 6 से 8 के लिए काउंसलिंग होगी। वहीं 16 दिसंबर को जिला मुख्यालय में वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग होगी। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विद्यापति नाम दो संस्कृत शब्दों विद्या और पति से लिया गया है। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वो शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मिथिला कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी था। मिड डे मील का लाभ मिलेगा लगभग 19 लाख बच्चों को। कोरोना के कारण बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को मध्याह्न भोजन का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मामलों में कमी आ गई है। ऐसे में एक बार फिर से इन सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद अब अगले महीने से पहली से आठवीं कक्षा तक के 1,19,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 2,32,000 रसोइयों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन निदेशालय की तरफ से एक प्रस्ताव भी आपदा प्रबंधन समूह को भेजा जाएगा। अब मजदूर भी टाइमिंग के अनुसार करेंगे काम। फैक्ट्री संचालकों के अधीन काम करने वाले कामगारों से फैक्ट्री मालिक कई बार कई दिन और रात एक करके काम करवाते हैं, और कामगार भी कुछ पैसे कमाने की लालसा में जी तोड़ मेहनत करते हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। हालांकि अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में काम करने वाले कामगारों के काम करने के समय का निर्धारण हो गया है। नए श्रम कानून के तहत अब राज्य के कारखानों में काम करने वाले सभी कामगारों को एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करने की छूट रहेगी। इससे अधिक काम करने की अनुमति फैक्ट्री संचालकों को नहीं होगी। इस अवधि में कामगार से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे का काम करवाया जा सकेगा। वहीं काम कराते समय 5 घंटे के बाद कामगारों का हर हाल में आधे घंटे का ब्रेक भी दिया जाएगा। विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार में फाइलेरिया को जड़ से हटाने की शुरू हुई तैयारी। फाइलेरिया हाथी पांव के मामले में बिहार तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार अब इस बीमारी को जड़ से हटाने में जुट गई है। मच्छरों के कारण फैलने वाली इस बीमारी को लेकर बिहार में जल्द ही एक खास मुहिम की शुरुआत होने वाली है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग हर स्तर से प्रयास कर रहा है। इसको लेकर राज्य के 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत करने की योजना है। इसमें औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा जिला शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि IDA के प्रयोग से कम समय में फाइलेरिया उन्मूलन संभव है। बहुत जल्द IDA राउंड की तारीख निर्धारित कर दी जाएगी। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अत्यंत गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को IDA का सेवन नहीं करना है। सेंट्रल रेलवे में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती। अगर आप भी रोजगार की तलाश में बैठे हैं और रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है। हाल ही में GDMO और अन्य पदों पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भर्ती निकाली गई है। इसको लेकर रेलवे ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर तय की गई है। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी जानकारी भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। बिहार में एक और
बनी सबसे छोटी उम्र की मुखिया। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव की लहर देखने को मिल रही है, जिसके तहत सातवें चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना बीते दिन करवाई गई। इस दौरान कई प्रखंडों के विजेताओं के नाम की घोषणा हुई, साथ ही एक 21 साल की सबसे छोटी उम्र की मुखिया भी चुनी गई है। जी हां, आपने सही सुना, शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत से 21 साल की अनुष्का कुमारी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। अनुष्का शिवहर प्रखंड में सबसे कम उम्र की मुखिया चुनी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अनुष्का ने हरियाणा से 10वीं और कर्नाटक से ग्रेजुएशन पास की है और इसके बाद इस बार पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरी थी। पहले प्रयास में अनुष्का जीत हासिल कर सबसे कम उम्र की मुखिया बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति निकले धन कुबेर, अब होगी कार्रवाई। इन दिनों बिहार में कई धन कुबेरों के नाम का खुलासा हुआ है। हालांकि अब तक सरकारी कामकाजों में जुटे कर्मियों के ही करोड़पति होने की खबर सामने आती थी, लेकिन अब शैक्षणिक संस्थान के कुलपति के धन कुबेर होने की जानकारी मिली है और ये कोई और नहीं बल्कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद है, जिनके ठिकानों पर बीते दिन विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। इस दौरान कुलपति और अन्य पर जालसाजी और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज हुआ है। विशेष निगरानी इकाई ने बताया है कि कुलपति प्रसाद ने निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं से इस मद में विगत 3 साल में करीब 30 करोड़ की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। बिहार के हाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। हाजीपुर भारत के ऐसे स्थानों में शामिल है जो अतीत और वर्तमान को सालों से अपने में समेटे हुए हैं। ये शहर भगवान बुद्ध, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए फेमस है। हाजीपुर में हिंदू और जैन धर्म के कई मंदिर स्थित है जो पर्यटकों की आस्था का मुख्य केंद्र है, जिसमें बटेश्वरनाथ मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और रामचौरा मंदिर प्रमुख है। इसके अलावा यहां घूमने के लिए महात्मा गांधी सेतु, कौनहारा घाट भी शामिल है। कर्मियों को पंचायत चुनाव में भेजने के नियम को चुनौती। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव की लहर है और लगातार मतदान और मतगणना का काम भी हो रहा है। इन सब के बीच हाल ही में पंचायत चुनाव में बैंक कर्मियों को भेजने का आदेश जारी किया गया था, जिसको ही बीते दिन पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद ही राज्य में चल रही पंचायत चुनाव में केंद्रीय बोर्ड और निगम सहित पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मियों को चुनाव में भेजे जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। ज्ञात हो इस बाबत संशोधित धारा 125 की वैधता को चुनौती दी गई है। इस संशोधित धारा के तहत चुनावी ड्यूटी में बैंक कर्मियों को भी राज्य सरकार के कर्मियों के समतुल्य रखा गया है, जिसके बाद ही कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जवाब हल्फनामा दायर करने पर और स्थिति स्पष्ट करने का आदेश जारी किया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। टनल निर्माण का निरीक्षण करने के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश। नीतीश कुमार के बेमिसाल 16 साल का जश्न अभी मनाया जाना बाकी है। हालांकि जश्न से पहले ही बिहार में निर्माणाधीन कामों को लेकर सीएम नीतीश लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पहले शराबबंदी को लेकर 7 घंटे की मैराथन बैठक, फिर बीते दिन वो दिल्ली रवानगी से पहले बिहार म्यूजियम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने म्यूजियम के किस एरिया में टनल का निर्माण होगा और पटना म्यूजियम का भ्रमण करने और स्कूली बच्चे आते हैं तो उनके वाहनों की पार्किंग के लिए कौन सा स्थान चिन्हित किया गया है, इस बात की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे थे। हाईटेक हुआ बिहार विधान परिषद। बिहार विधान परिषद अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होने जा रहा है, क्योंकि अब सदन के सदस्यों के लिए कंप्यूटर टैब लगाने का काम किया गया है। सदन को डिजिटल करने की दिशा में यह बेहद ही अहम कदम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सदन शुरू होने से पहले सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं गर्व की बात यह है कि बिहार विधान परिषद देश का ऐसा पहला बनने जा रहा है जहां सदस्यों के लिए टैब की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से सदस्य बगैर पेपर का इस्तेमाल किए सवाल जवाब कर सकेंगे, इससे सदन की कार्रवाई और ज्यादा आसान हो जाएगी। बिहार सरकार 9 एएसपी की सेवा सीआरपीएफ को करेगी वापस। बिहार सरकार ने 9 जिलों के एएसपी ऑपरेशन की सेवा को सीआरपीएफ को वापस करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर गृह विभाग ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार जिन एएसपी अधिकारियों की सेवा वापस होने वाली है, उसमें एएसपी के पद पर मोतिहारी में पदस्थापित कुमार ओम प्रकाश सिंह, कैमूर में तैनात नितिन कुमार, गया में तैनात धर्मेंद्र कुमार झा, लखीसराय में तैनात अमृतेश कुमार, मुंगेर में तैनात राजकुमार राज, मुजफ्फरपुर में तैनात विजय शंकर सिंह, औरंगाबाद में तैनात शिव कुमार राव, बांका में तैनात अयोध्या सिंह और जमुई में तैनात सुधांशु कुमार का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सभी 9 जिलों में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, जो कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार में सेवा दे रहे थे। इन सीआरपीएफ अधिकारियों की चौथे वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि इस साल खत्म होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीआरपीएफ को वापस करने का निर्णय लिया गया है।
हेडमास्टर नियुक्ति की नियमावली को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसको लेकर बीते दिन टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की रिट याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इस बाबत कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। राज्य में इस नियमावली के तहत हो रही नियुक्तियां इस याचिका में पारित फैसले पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ता के वकील कुमार शानू ने कोर्ट को बताया कि 18 अगस्त 2021 को अधिसूचित हुई बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक स्कूल हेडमास्टर नियमावली में हेडमास्टर की नियुक्ति की शर्तें परस्पर विरोधी हैं। नए बस स्टैंड के लिए बिहटा में 25 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। पटना वासियों को जल्द ही एक और बस स्टैंड की सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत बिहटा के कन्हौली मार्ग पर इसका निर्माण करवाया जाएगा। इस नए बस स्टैंड के बन जाने से पश्चिम बिहार की तरफ जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। इसके साथ ही पटना के नए बस स्टैंड बैरिया जाने के लिए वर्तमान समय में अधिक भाड़ा और समय देना पड़ता था, वो अब नहीं देना होगा। राजधानी पटना के बिहटा कन्हौली मुख्य मार्ग पर कन्हौली गांव के नजदीक लगभग 25 एकड़ जमीन पर नए बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव की बात सामने आई है। नए बस स्टैंड बनाने के लिए स्थल निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीते दिन बिहटा के कन्हौली गांव पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी पटना के साथ साथ विभाग के कई अधिकारियों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श किया। बिहार में सख्ती से लागू होगा शराबबंदी कानून। बिहार में शराबबंदी कानून और शराब पीने वालों के मामलों ने तुल पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीते कुछ दिनों में कई लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आई, जिसके बाद ही बिहार सरकार की नींद भी खुली और बिहार सरकार ने मैराथन बैठक भी की, जिसके बाद अब बिहार में शराबबंदी कानून के सख्ती से लागू होने की उम्मीद जाग गई है। इसी बीच मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने भी अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि शराबबंदी कानून को और भी सख्ती से लागू किया जाएगा, जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा है कि पुलिस और एक्साइज विभाग में 200 से अधिक लोगों को बर्खास्त किया गया है। 60 थाना प्रभारी 10 साल तक फिर से थानों के प्रभारी नहीं बन सकते हैं। लोकसभा विधानसभा प्रभारी और सभी प्रकोष्ठों को किया भंग। जदयू ने बीते दिन पार्टी स्तर पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारी समेत 32 प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के समय लोकसभा प्रभारी विधानसभा प्रभारी के साथ सभी प्रकोष्ठों का गठन किया गया था। कमेटियों को भंग करने की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि कमेटी का जल्द ही गठन किया जाएगा। कमेटी में युवाओं और आधी आबादी को तरजीह दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी लगातार ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रही है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी को बेहतर ही बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले में मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आसमान में हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में मौसम लगभग एक समान होगा और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय, दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में पूर्वानुमान की अवधि में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सभी पीडीएस दुकानों में मिलेगा पौष्टिक युक्त चावल। बिहार समेत देश भर में कोरोना काल में केंद्र सरकार के तर्ज पर अनाज वितरण का काम किया गया था, जिससे काम छूटने के बाद घरों में बंद निम्न स्तर के लोगों को खाना नसीब हुआ। वहीं इस बीच कुपोषण को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें भारत की स्थिति बेहद ही चिंताजनक बताई गई थी। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार देश में कोई भी भूखा ना सोए, इसको लेकर साल 2023 मार्च तक देश के सभी पीडीएस दुकानों में पौष्टिक युक्त चावल पहुंचाने का काम करेगी और इसी चावल का वितरण किया जाएगा। गया पहुंचे वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उक्त बातें कही हैं। इस प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे देश में सामान्य दुकानों में भी पौष्टिक युक्त चावल। कोरोना से जान गंवाने वालों को इतने लाख दे सरकार। बिहार में कोरोना की पहली और दूसरी लहर अपने साथ ना जाने कितने परिवारों को तबाह करके गई और हमारी रक्षा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी भारी संख्या में अपनी जान गंवाई है। हालांकि कोरोना का यह मंजर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, भले ही मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन खतरा अभी भी है। इन सबके बीच बिहार सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों को थोड़ी राहत देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर ही अब बिहार मानवाधिकार आयोग ने भी आदेश जारी किया है। इस आदेश में बिहार सरकार को जिन निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 की वजह से जान गई थी उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान करने को कहा गया है।
बिहार के रसोई गैस उपभोक्ताओं को नियमित मिलेगी सब्सिडी। बीते कई दिनों से रसोई गैस की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में नहीं पहुंच रही थी, जिससे अब उपभोक्ता भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि बीते कुछ महीनों से कुछ उपभोक्ताओं के खाते में बहुत कम पैसा गया तो कुछ के खातों में गया ही नहीं, जिससे ग्राहक के बीच भी भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। इस मामले में IOC की तरफ से कहा गया है कि रसोई गैस सब्सिडी भुगतान के लिए नया सिस्टम तैयार किया गया है। इस नए सिस्टम के जरिए सभी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, इस वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन अब तक बहुत सुधार हो चुका है। जल्द ही नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि मिलने लगेगी। बैठक कर सरकार केवल छोटी मछलियों को पकड़ना चाहती है। शराबबंदी कानून जिस तरह जोश के साथ बिहार सरकार ने लागू किया था, उसी जोश के साथ इसकी असलियत अब सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों से शराब के सेवन को लेकर आ रही खबरें इसके प्रमाण है। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी किसकी नाकामी है, इस बात का पता लगाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में मैराथन बैठक की, जिसको लेकर अब विपक्ष ने तंज कसना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही राजद के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मुख्यमंत्री को समीक्षा शब्द के मायने ही नहीं पता है। 7 घंटे तक समीक्षा बैठक चली, लेकिन शार्क मछलियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। केवल छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, थानेदार, चौकीदार, जमादार केवल पकड़े जाएंगे, लेकिन जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है उस पर सख्ती क्यों नहीं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे। पेशवा माधव राव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने 1772 में गद्दी संभाली। बिहार की राजधानी पटना के पास 1948 में स्टीमर नारायणी दुर्घटनाग्रस्त होने से 500 लोग डूबे। बाघ को 1972 में राष्ट्रीय पशु चुना गया। भारत की मानुषी छिल्लर ने आज के दिन मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता था। फिल्मकार अभिनेता वी शांताराम निर्देशक का जन्म 1901 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक बटुकेश्वर दत्त का जन्म 1910 में आज के दिन हुआ था। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का निधन 2017 में आज के दिन हुआ था। आधार की तर्ज पर आ रही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड की तर्ज पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के देश भर में लागू किया जा रहा है। इसका मकसद जन्म से लेकर जान जाने तक लोगों के हेल्थ का रिकॉर्ड रखना है। सरकार की तरफ से देश के हर नागरिक को यूनिक डिजिटल हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें हर नागरिक का मेडिकल रिकॉर्ड यानी सभी बीमारी, मेडिकल दवा रिपोर्ट और क्लिनिकल टेस्ट दर्ज होगा। इसे डिजिटलाइज करके डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन किया जा सकेगा। ABDM का उद्देश्य एक मजबूत ढांचा तैयार करना है, जो देश में इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। ICC ने अगले 10 साल के कार्यक्रम का किया ऐलान। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का समापन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप खिताब पर कब्जा किया है। अब ICC ने अगले 10 सालों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। T20 विश्व कप 2022 यानी 8वें संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, यानी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम अपने घर में ट्रॉफी को डिफेंड करेगी। वहीं 2023 में वनडे विश्व कप खेला जाएगा, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अब चलिए आपको बता दें कि ICC द्वारा घोषणा किए गए अगले 10 साल के कार्यक्रम के बारे में। अगले 10 साल में 8 ICC टूर्नामेंट खेले जाएंगे, जिसकी मेजबानी 14 देश करेंगे। खास बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिरकार वापसी करने जा रही है। भारत अगले 10 साल में 2 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। दरअसल ICC ने 2026 से लेकर 2031 तक होने वाले व्हाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है बबलू सिंह, अर्जुन कुमार, शंकर प्रसाद, राजेश राजभर, सुगीबल कराकट, अखिलेश कश्यप, बबलू कुमार, गौतम कुमार, पवन राज, रविन्द्र पासवान, मृत्युंजय कुमार, कमला अग्रवाल, अंकुश फोटोग्राफी, सचिन कुमार, अमरजीत कुमार सिंह, रोहित कुमार, जयेंद्र कुमार, गौरव कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार शिक्षक नियोजन के काम में बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की अपेक्षाओं पर उतर पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।